अध्यक्ष जी तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि खुद दे हूँ आज इसलिए जो भी हमारे सम्मानित साथी उपस्थित हैं, कॉमरेड सुरेंद्र ने बहुत संक्षेप में इस इलेक्शन के जो अर्थ छिपे हुए हैं इसके भीतर और जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आपके सामने रखा। ये मामूली बात नहीं है जो कुछ घटित हुआ हरियाणा के अंदर, यानी आप अंदाज़ा लगाओ कि देश की और हरियाणा की जनता बीजेपी को हराना चाहती है और बीजेपी सारगत जीत गई। क्यों बोला वो नुका आगरे बोला दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए ये दोस्तों की मेहरबानी हुई जिन ये समझी को नहीं यह बात है। और ये जो जातिवादी ध्रुवीकरण हुआ है ना इसके जाल में फंस गया। हम पहले ही कह रहे थे जानबूझ के हुई है, आरक्षण की हिंसा करवाएगी 2 साल पहले बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, और वो बिल्कुल ध्रुवीकरण करना चाहते थे वो कर दिया। ईव खट्टर फसल काटन लाग रहे हैं उस टाइम पर बोई ओड़ी, मतलब आज वो काट गए वो फसल, हमारी चेतावनियों को नहीं समझा। हमने जांच करवाई उन दंगों की, कमीशन बनाए, उन्होंने ये कहा कि सरकार की दंगों के अंदर न केवल संलिप्तता है बल्कि उनकी इसके अंदर संलग्नता भी है, मतलब करवाणियाँ भी हैं और योजना बनाने वाले भी वो हैं। आज उसका नतीजा ये आप रोहतक में भी देख लो, उन्हें जो सीताराम हुड्डा जो आ रहा है आज मतलब इसने बेरे निके के कैलकुलेशन करी होंगी, न्यू सोचे हैं ना कि भाई न्यू बन जाएगा काम वो, मतलब ऐसा काम हो गया कि जो अगला जो दा लगान लाग रहा उस तक आप टांग पकड़ा दे, कोई पहलवान जब नहीं लड़ा करें वो टांग पकड़ना चाहो है उसने आगे न कर दी, इस तरह का काम कर दिया। अब ये बहुत ही दुखदायी चीज़ है, अपा जो काम करा हाँ वो उसने न्यूका आगरे बोला एक वो चौधरी ज्यादा लट लिए गाड़ में गए चूड़ी बेचनिया बैठा था अपने बेचारा उड़े वो बांध गए गाठड़ी सी उसके ऊपर मार गए लाठी ने बोला क्या बेचा है, बोले देखिए मैं बेचता मैं इतनी मेहनत करके हम उस टाइम पे भी हमने मेहनत करी है करा हाँ और एक लाठी सी मार जाए जब भाई हाँ सो सुनार की रेख लुहार की, ये बड़ा कसूता जिनता अपना पाड़ा पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो 6,270 वोट काटी है ईसा लालो शेर के मुँह मत मांस का टुकड़ा काटना आसान नहीं है ये, लेकिन हमें साथियों वो संदेश देखने की ज़रूरत है। अभी जब हम यहाँ जीने के ऊपर हमारी एक साथी जो है वो आ रही थी तो मैंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आँखें में पानी आ गया, अड़े बैठी है मतलब क्यों आ गया, वह वोट ज्यादा मान रहे थे अपनी। और मैं एक बात बता दूं भी ज्यादा अपनी ये 6,270 नहीं वह भी अपनी है जो गेरना चाहो थे ना गेर पाए, मड़ी कसर है गेरन में नरे हिसे हिसे और इसे इसे भी नरे हैं जिनका इस बात की तकलीफ है अकमारे वोट कटे पाए। ये बैठे डॉक्टर साहब कौन पाया वोट, एक कोनी मेडिकल के यूनिवर्सिटी के हमारे भवन निर्माण के साथी हजारों वोट नहीं है, और उनके जिनके वोट भी थे गेरन को नहीं पाए धक्के खाई गए उनकी न्यू इच्छा थी हम वोट गेर दें ठीक है। और एक तो ये जोड़ लो सारे ये भी अपने हैं, एक वह जोड़ लो जो इलेक्शन में खड़े थे और इस जो मशीन का गोरख धंधा हुआ है इसकी वजह तो फंस गए। आज तो पानीपत में भी कांग्रेसियां ने बहिष्कार कर दिया गिनती का और ने बोले केस करांगे हाईकोर्ट में, परसों चौथा जब हम कर रहे थे वह ना सुनी हमने चुनाव वोट पड़ने एक दिन पहले चिट्ठी लिख कर दी के दो मशीन इकट्ठी क्यों कर दी, इनका कनेक्शन जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं, एक मेयर की एक एमसी की है एक आड़े दर दो एक आड़े दर दो। हम जब गए उड़े या बात करने खातर तो जो ऑब्जर्वर जो इलेक्शन को देखने के लिए आता है बड़ा अफसर होता है वो उड़े था और हम आर ओ से बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो एक बात बताओ एक आदमी मेयर का वोट डाल के और जाना चाहो है, बोला हम जान कौन देवा
मैं आप इतने बड़े ऑफिसर हो, थोड़ा संभल के बोलो क्या कह रहे हो। आप रोक सकते हो क्या किसी को? बोला नहीं नहीं, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एमसी की भी डाल। अगले ने कौन डालनी भाई, नोटा की डाल, क्यों डाल रहे, कौन ही डालता, ठीक है। बोला फिर एक और बटन है रजिस्टर लिख रखे, वो दाबना पड़ेगा जब वोट पड़ेगी। दाती थोड़े का बटन दबाने वाले, चलो हम दाती थोड़ा क्यों कुआ, और भी बटन दबाने वाले मेयर का हजारा आदमी है यहाँ, जिन्हें बटन दबाया और धोखा हला गया, या के बनी वोट तक को नहीं पड़ी, पड़ती नहीं है वोट, जब पड़ेगी जब एमसी वाला दबाओगे। सारी चीज मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ कही, मखा एक बात पूछना आया, जोड़ क्यों दी, तो जो बड़ा अफसर बैठा था वो पकड़ गया इस बात ने, और वो जो दूसरा जो यहाँ का अधिकारी था जब जवाब दे रहा था तो बैठे बैठे हंसन लाग रहा था, कितनी बावली बात कर रहा, पढ़े लिखे आदमी आ गए। और मैंने फिर उनको वो दिखाया ना, जब उन्हें याद हो कही नहीं कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यह भी नहीं कि गलत कह रहे हो। और जब कल मिलने के लिए गए हमारे साथी समर्थक पार्टियों के भी और दूसरे भी, तो वो बड़े अफसर ने जब ज्ञापन लिया, वो बोला आपकी पार्टी के लीडर आए थे उस दिन, और मेरे तो उससे दिन लग गई थी कि मैंने कहा गड़बड़ जरूर से इस बात में, बोला इस बात पर सहमत हो गए और तो कुछ कही नहीं गई, न्यू जरूर कही, अब सुधार करने की ज़रूरत है। जगमती बोली सुधार तो होगा जब होगा, तड़का क्या होगा रे जिस दिन वोट पड़ेंगे। इतने आदमी हैं मैं आपको बता नहीं सकता, बटन दबाया बोला जी वोट तक होनी पड़ती, फट देसी वो पोलिंग पार्टी वाला खड़ा होगा गत्ते से के ऊपर का, बोले यो बटन दब दे, तेरा क्या मतलब है बीच में झाकण का। और इतने लोगों के वोट गिरवा दिए धक्का कर कर के। आप मैं एक बात बताऊं, ये जो उडार ने खड़ा कर रखा ना जो हार गया, इनका तो ऐसा हिसाब है, वो तो कोई उड्डा जी से तो किसी ने कही होगी, बोले मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, बोले गई मान। कोई धनी धोरी कौन इनका। अब ये सारे मतलब आपने जमा आ गए, 6270 नहीं है जो विनोद का हुआ था, ये 62,000 तो ज्यादा है, एक जीरो लाले आ गए। इतने हैं ये, और अपने जमा पड़ेंगे ये भी, क्यों, क्योंकि और तक किसी ने बोलना नहीं। अब वो जो कह रहे थे घोषणा पत्र की बीजेपी का, बीजेपी आलन तो घोषणा पत्र जिस दिन छपवा था ना और जारी करा था, वो दिन कोड़ी कूड़ी की टोकरी में डाल दिया था, लेकिन उनका न्यू ध्यान को नहीं मार दो रही भी धरया जो उन्हें जारी करा था। तड़के तो वो घोषणा पत्र ले जाके लोग ने कहेंगे थारे बारे में यह आउट रखी है, इन तई पहले तो थोड़ा टाइम दे दो, हम ये नहीं कहते भाई तड़के तो लागू कर, थोड़ा सा टाइम दे दो, इस घोषणा पत्र ने लागू करवाएंगे आप रल मिलकर, हो गया होगा सही बात। वो बिल्कुल ये रोज का काम करेंगे, अब बहुत बड़ा इन्होंने एक तरीके का विडंबना कर दी जनता की भावनाओं के साथ, क्या किया क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई जो उसका तार जोड़ा है मशीन का, क्या कोई मतलब नहीं बनता। बड़े से बड़े वैज्ञानिक को बुला लो, समझा दो भी तुमने क्यों करा यो काम, एमएलए एमपी के नहीं इकट्ठे होते चुनाव, एक नुंदरी रहा एक नुंदरी रहा, पहले सरपंच और मेंबरा के अगर तो एक ढोल नुंदर है एक नुंदर है, मोर ला और गिर दो उसके अंदर, भाई कोई मतलब ही नहीं था। ये उत्तराखंड में अभी नहीं हुआ चुनाव, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कारपोरेशन का इलेक्शन 2 महीने पहले हुआ है, उस कागज के ऊपर बैलेट पेपर से करा रखे, मशीन थी को नहीं, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से मेरा जहाँ तक अंदाजा कि तय को नहीं हो काम, ठीक है। ये भी वो रखा है तीसरे नंबर पे, ये या ये सबूत आगे आ गया देहात में तीसरे नंबर पे है, ये बात दर्शा रही है वास्तव में कि जनता की इच्छाएं क्या, खेती संकट इतना खराब है, बेरोजगारी है भयंकर रूप से, कानून व्यवस्था कोई भी सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ा इन सवालों को अपन उठाना पड़ेगा, वास्तव में सवाल ये है। और ऐसे ऐसे आदमी हैं, ये बता दूं
अपा वो ये नहीं देखते कौन आ रहा नहीं, अब पक्की बात है वोट कम रह सके हमारे, हारते कदे नहीं अपा, लेकिन अपने वोट देने वाले इसे आदमी कामरेड पृथ्वी सिंह बीमार होते हुए इलेक्शन लड़े, कई बार इलेक्शन आ रहे, और उसके बावजूद भी जो उनको वोट डालने वाले थे ना, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैं गाड़ी खड़ी कर दी बिल्कुल एक टूटी हुई झोंपड़ी पर, रास्ते में लाल झंडा लग रहा, मखा यार देखते हैं कौन, मैं दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी की आवाज आई, बोला कौन है, मखा हम थे वोट मांगनी है, अंदर ते आवाज आई कौन देऊं, बाजो हट दे, फिर मैं दरवाजा खोल लिया, भाई के चक्कर है, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी गरीब दलित बरादरी से खाट पर लौट रहा, खाट भी टूटे ओड़ी, मखा क्यों इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने यहाँ कही है कौन देऊं, मखा क्यों, बोला पृथ्वी सिंह की देनी है, मुंह है कि मांगन आ रहे, मखा ऊ की मांगन आ रहे तो बैठ जाओ फिर। ये कभी नहीं देखता जिसकी राजनीतिक मजबूरी है कि इसकी कम रहेंगी कि ज्यादा रहेंगी, या देखनिया भी मौका परस्त होते बहुत सारे। सीनियर सिटीजन क्लब में 8 आदमी बैठे थे, मन जाग राम रमी कर दी, बोला बैठ भाई, चौधरी साहब बोला मेरे थे चौधरी साहब बैठो, जगमती आई थी आड़े कई दिन हो लिए, जब हमने सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया था, सिर पर हाथ धरा था, गड़बड़िया होगी कि कोई सा ना जीतता इनमा थे, समझ गए होगे किन माते, इनमा थे कोई सा नहीं जीतता ही वे, इसलिए गड़बड़ होगी, वो आशीर्वाद रो गया खत्ती में, मतलब यानी गेर बदल लिया, आपका को आशीर्वाद दिया था सर पर हाथ धरा था, दोनों मत कोई सा कौन जीतता, और फिर कौन सा नारा छिड़ गया अगले दिन, ने बोले भाई अपनी बरादरी का जाट भाई के घेर दो, ठीक है, वो बोले या भी जाट बरादरी में पैदा हुई ओडियो या जाट को नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने कहा जाट को नहीं, और जो गैर जाट थे गरीब थे दलित थे उनके या जचगी के सही मानस या है जो इलेक्शन में जीतनी चाहिए, इसलिए उनके वोट ऐसे पक्के वहाँ पे डले। किस तरीके से जात पात का इस्तेमाल करते हैं, एक न्यू कहते जाट को नहीं, दूसरा कहते जाट है, मारे यूनिवर्सिटी में नहीं बनाया करती, मारे विरोधी न्यू कह देते कि भाई ये जाट को नहीं, और वो जो गैर जाट थे वो न्यू कह देते ये जाट है, मगर तुम पहले फैसला कर लो हम के जा, फिर देखी जाएगी चुनाव की टाल कर देता है एक बार, इसलिए ये बीमारी इस तरीके की है, लोगों को संगठित करना जरूरी है, बहुत बड़ा ये तबका है साथियों, बिल्कुल कोई निराश होने की जरूरत नहीं, आप चुनाव नहीं जीते लोगों का दिल जीते, अपन मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, आप किसी मोहल्ले के अंदर ये बाप रखेंगे कार्यक्रम, और जो कार्यक्रम रखेंगे ना मोहल्ले में, आज नोट कर लो जितने लोग अपनी सभा में आएंगे, किसा की मैं जितते ओड़े आले की मैं कौन ही आवे हुए, जीत वो गया जिसने कोई कौन कहा था जीतता है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक ऐसा आदमी जीत गया जिससे जिन्होंने वोट डाला है उनको भी ये लगेगा तो विश्वासघात सा हो गया कि मतलब जानते या के बनी भाई, वास्तव में स्थिति ये है। इसलिए साथियों कोई बात नहीं, अपने बड़े काम है, अभी कोई कुछ चीज खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, बिल्कुल शुरुआत है, उनके पास जाएंगे संगठन बनाएंगे, हमारे महिला साथी इतनी मेहनत करी है, और यह भी बनी होगी मैं सच्ची बताऊं, महिलाएं इकट्ठी हुई, अपा गए उनसे वोट मांगने, जगमती भी गई, उन हार भी डाल दिया समर्थन भी कर दिया, और फिर 2-4 दिन पाछे गरगाले की दबाव पड़ी होगी, नूना अगरता जुगरता में सोचो हो, हाँ चल फलानी जगह गेरनी है, या के थोड़िया गला बनी होगी, और मन महसूस कर न वो काम भी कर दिया होगा, तो इसलिए ये तमाम तरह की चीजें हुई हैं, कोई बात नहीं, अब जरूरत ये है कि भाई आदमी अपन थोड़े हैं बल्कि जिम्मेदारी बड़ी है अपने ऊपर, इसलिए यह संख्या अपन बढ़ानी पड़ेगी, और जो भी अपने सहयोगी दल थे संगठन थे, जो भी हमारे चाहे 2-5 के साथी हों, चाहे वो आप पार्टी के हों, चाहे दूसरे जन संगठनों का सवाल है, हमारे स्वराज इंडिया के अभी जो बोल रही थी जगमती, वो डॉक्टर संतोष मुदगिल को स्वराज इंडिया की बता रही थी, मुझे तो साथ जाएगी सब की स्वराज
मतलब स्वराज इंडिया वाले भी अपनी मानने, आपा भी अपनी मानते हैं, और वो के बिराने हैं सब, अपन साथ जेके हैं सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात नहीं, अलग अलग नाम है, अलग अलग संगठन है, इतना बड़ा दिल रखने की जरूरत है कि सबके साथ मिलजुल का अपन काम करने की अपने अंदर मादा रखें इतना, ठीक है ना। ये अपने लिए बहुत जरूरी है साथियों, अपने ये लड़ाई लड़ी है और अपने ढंग से अपन इस लड़ाई को जीता भी है। जीत अपन उसे दिन लिया था जिस दिन लोगों ने कही इस तो बढ़िया कोई उम्मीदवार को नहीं, उसी दिन जीत ली थी वास्तव में तो ये लड़ाई। पर ये अखबारों का सबका अपना एक हिसाब है, जिस दिन वो निशान मिले ना उस दिन वोट के ऊपर तो सब तो ऊपर जगमती का छपा था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के निशान है ये, और कख गगड़ के हिसाब से होती हैं। तो दूसरा तो वो था जो मनमोहन के नाम है उसका, हाँ मनमोहन गोयल था दूसरे नंबर पर बाज ऊपर अपना आ रहा, और वो जो अखबार वाला दिखावा है वो मनमोहन गोयल का सब तो ऊपर दिखावा है, अपना चौथे नंबर पर दिखा रखा। अरे तू निशान तो ठीक छाप दे यार, हद होगी, पहले सारे अखबारों ने चौथे नंबर पर लाना शुरू कर दिया, ठीक है। आज आप चौथे पर गए थे, बीच में एक और फंस गया मेरा निकुण, मेरा नाम नुम तो याद को नहीं, लेकिन उसके दो मोहल्ला में 6-7 हजार वोट आके ने, और वो अपन तड़े न खर गया थोड़ा सा, और कितने को नहीं आ रहे उसके, यह भी कमाल की बात है, जात के पड़ रहे हैं और कितने को नहीं, जगमती के अपने वोटा पापा नजर मारने लगे तड़किया दिशा का हम लाग रहे हैं, कितने 200 कितने 250 कितने 250 और का देखोगे एक जगह 2,500 अगला जाकर 20, 5, 4 यह के बनी भाई बनी के उड़े तो जात थी और उड़े तो लिखड़न लागे, आगे जाते हैं पेट्रोल खत्म जाज का थम गया। ये जो है ना इस तरीके का हमारे तमाम साथी जो हैं, थोड़ी बहुत उस तरह कमी रश कह यह छोटी बात थोड़ी थी, अपन जब लोग न्यू कहने लाग गए पोस्टर को नहीं मारे दिखे को नहीं उड़े आए को नहीं, चलो भाई एक दिन कट्ठे हो गए, यो तो लोग का बर्फ थोड़ा कट्ठे हो गए चाल पड़ा, अपन वो जो निकाला जलूस मतलब सारे को जाने का अंधेरा हो गया, दिक्कत तो यह आ गई बल्कि बलियाने में घनी जगह एक जगह कट्ठे हो रहे थे वो बल्कि नाराज और हो गए कि हम तो आड़े इतनी देर के खड़े थे आड़े का कोनी काटा जलूस और दूसरे हमारे साथी भवन निर्माण के चोट लगी दो तो एक कार वाला टक्कर मार गया, उस दिन जी दिन जत्था निकलन लग रहा था हमारा, चोट खाई बहुत मेहनत करी है दिहाड़ियाँ छोड़ दी हैं, एक एक दिन की दिहाड़ी बहुत मुश्किल होता है छोड़ना, ऐसे लोग मतलब उसके लिए जुटे हैं। सही बात है, पैसा बोतल उनका जब जलसा खत्म हो सब तो पहले इस बात पर जूत बात जाग रहा है, 600 वोटे थे 200 दे गया सब तो ज्यादा इस बात पर जूत बात जाग रहा है, और आपने न्यू कहा भाई खाना खा लिया खाना खुना कुछ नहीं जी जुटा हम तो बस, ये बहुत बड़ा फर्क है वास्तव में, आप बड़े बड़े सच्चे इंसान हैं, ये लोगों की पहचान में आने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में कामयाब होंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के आज तो ये वैसे ही था एक छोटा सा बिन्नू ना हो साथिया ने पता कौन चल कड़े के है, लेकिन 23 तारीख को एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे अपा 23 तारीख को, और धन्यवाद भी दौरा करना पड़ेगा शहर मसल में मारे दिक्कत यह होगी मारी कॉलोनी वाले ने गए चुनाव तो लड़े जा खड़े हैं ये मनोरमा बैटिस ने बेरा है भाई इनके घर में दफ्तर खुल रहा हमारा जंग कॉलोनी में, उस दफ्तर में हम एक ब गए यहाँ सिर्फ ये अच्छे उम्मीदवार भाई, घर में कोई रनता है को नहीं, ये 10-20 मारी साथ चाल पड़ी हो एक बनी तो कॉलोनी वाले ने सोचेंगे भाई आज भी को नहीं आए ये दो जड़े क्यों हंडे, तो ये स्थिति है मतलब। तो 23 तारीख को एक बड़ी मीटिंग करेंगे आप जिसमें अपने समर्थकों को सभी को जिन आपने वोट दिया उनको नहीं बल्कि उनको भी जिन गला धक्का हो गया मतलब और आज जिन पछतावा करने की जगह भी को नहीं पा रही उनको भी बुलाएंगे, अपने सारे समर्थकों को जगह हम बता देंगे 11 बजे करेंगे, एतवार का दिन है अभी जगह बुक करेंगे, बहुत घने लोग आएंगे तो जगह हाँ बड़ी चीज़ जगह अपने को करनी पड़ेगी, छोटा पर्चा भी निकालेंगे जानकारियां देंगे सभी जगह, तो इसलिए साथियों
आप सभी साथियों ने बड़ी मेहनत करके इसको किया और यो जितना भी अपने पास पैसा है जितना खर्चा हुआ है दो दिन भी कोनी ले वहां पर गैल की पाई का हिसाब के करके पूरी जनता को बताएंगे इतने रुपये तुमने दिए थे, इतने खर्च हो गए, इतने रुपये बच रहे हैं, कमी पा जाएगी मान लो 1000-2000 की तो न्यूका देंगे और दे दो भाई थोड़े से, और जब बच रहे होंगे तो अपन न्यूका देंगे इनने लोगों के खातिर अपन इस्तेमाल करेंगे। एक बात मैं पक्की बता दूं, मारो न्यू तो खैर चलो साउथरी हर ने तो जरूर के मिनट के में खर्चा कर रखे, मारे घर से कुछ खर्चा नहीं हो रहा यह मैं पक्की बता दूँ। हाँ लेकिन लोगों का पैसे पैसे का हिसाब देंगे अपने, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जने ने जो है ना पता नहीं कितने 2000 रुपये डाल दिए बैंक में और एक मैसेज भेज दिया, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट भेज रहा हूँ। मैंने कहा कोई अमाउंट छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। महिला ने एक दिन फतेहाबाद के इलेक्शन की बात है रोटी पोन लाग रही हम मीटिंग कर रहे जुकरिया कर रहे, किससे का उसका निदान को नहीं, चुनाव लड़ना था, हमने कहा भाई चंदा इकट्ठा करो ये जनता रही इस तरह जनता के पास जाओ जमा, मैंने कहा भाई लिखवाओ सब। वह जो खाना बनाने वाली थी जिसको अपन ने दिहाड़ी पे लगा रखा था पता नहीं पल्ले का बांध रही थी क्या कहे, 500 रुपये का नोट निकाल के सबसे पहले मेरा लिख लो जी, जिसका किसे का ध्यान में कोनी कि ये इससे अपन चंदा लेना है, लेकिन वो बात सुन रही है वो भी। ये इस तरह से लोगों की भावना जब खुलती है तो बहुत खुलती है भावना। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा भी कार्यक्रम होगा सूचना आपको अपन देते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।